एसएचजी ग्रुप उपरे अहेतुक अनुकंपा देखाई प्राय 35 रु पाखापाखी 32 रु ऊर्ध कर्मचारी को गोटे राति भितरे छटाई कर दिया जो माने दीर्घ दिन रु काम करथले जो माने डेली लेबर से माने कोरोना महामारी समय रे मध्ये एटी काम करिसेंती आ काम करे निजरो रोजगार मेंटौथले किंतु गोटे राति भितरे एसएचजी ग्रुप को काम हस्तांतर करिसि आहार केन्द्र जहाँ को नहीं माने धारणा देइछन्ती आहार केन्द्र सामने आप देखिपड़े निज पर सहित आसी माने धारणा देइछन्ती और अभियोग बिना नोटिस बिना कौन कारण दर्शाई एसएचजी ग्रुप को अहेतुक अनुकंपा देखाई जो रही आहार केन्द्र से कमरू बाहर कर दे तो कौन रही घटना संपूर्ण आम जानवा तो कौन कहे कौन आप बाहर करा गोटे राति बर्तमान कहते कि तुम बसि जाओ आउ तुम काम दरकार नहीं आसा दरकार नहीं जन करा दरकार नहीं तो यहाँ कौपाई आम जो पचारे आमको कौन से आनसर देपर आनसर दौरान ना कौन एसओजी ग्रुप जॉइन होती तेणुकर आपण मैंने आसबे आम विगत 4-5 वर्ष काम करार सहित बर्तमान आमको ये कहते कि गोटे राति खाली फोन करके कहते कि तुम्हें आउ आसबन जेहेतु आम ये 8 जन कैशियर अच्छा 8-9 जन अच्छा जो बाढ़ुं तापर आमर हाउसकीपिंग अच्छा समस्त को कहते तुम आसबन 32 जन कहते आसबन तो एसएचजी ग्रुप कौन एसएचजी ग्रुप प्रति अनुकंपा कहीं एसएचजी ग्रुप दया कहीं सरकार जो महिला सशक्तिकरण मिशन शक्ति अंडर में कार्यकारी करेणुताको आम स्वागत करुचु स्वागत योग्य पदक्षेप महिला मान सशक्त करने किंतु वर्तमान जो घटना घटी आमर अक्षय पात्र फाउंडेशन रे कार्य करूथिबा किछि कर्मचारी भाई माने और भौणी माने जो माने विभिन्न आहार केन्द्र रे काम करथले किछि भाई माने किचन रे काम करथले किछि भाई माने एटु नेकी सेटी खाद्य सर्विस देउथले सेइ मानंकु विदाउट सफिशिएंट रीजन किंबा विदाउट प्रायर इनफॉर्मेशन कोनोसी नोटिस दिया जाय नै जो दिन से माने ड्यूटी करुचंती दिन रे संध्या बेलू से कहा जा खबर दि जाऊँच आपण मैंने काली ड्यूटी की आसबे ना ये जो अन्याय भाव छटे बिना कारण रे बिना नोटिस रे ताकुएटी आम विरोध करुचु जो अक्षय पात्र फाउंडेशन तांकर PFESI दीर्घ 5-6 वर्ष है रेगुलर जमा करुले से बैंक मध्यम पेमेंट कराला तेणु सेमकर सफिसीएंट रिजन अच्छी कि यहाँ गोटे स्थायी कम अक्षय पात्र फाउंडेशन भितर जो भाव जो एठिकार सेक्टर 7 यूनिट मुख्य अच्छा से पातरअर नीति में उद्देश्यमूलक भाव किसी कर्मचारी को घरे बसवाई ये व्यवस्था करेणु आम ये दाबी करुचु से जगार जो धारणास्थल ये टेम्पररी किचेन कर सर्विस दि जावाई एसएचजी ग्रुप मध्यम आहार केन्द्र गुड़िक आसतु ये बसी जो कर्मचारी माने विगत 5-6 वर्ष है निष्ठार सहित काम करुले कोविड समय रे मध्य से माने वारियर भाव में विभिन्न जगार खाद्य बंटन करते तेणु तांकु अन्याय भाव में कामरु छटे करा न जाई किभली भाव में जो समस्या है से समस्या को बुझा जा पार कि अक्षय पात्र फाउंडेशन जेहेतु प्रिंसिपल एम्प्लॉयर तेणु से किभली भाव में थैथान करें भविष्य में जेहेतु यहाँ पर निर्भरशील यही कथा को विचार करके आम ये उपस्थित अच्छा न्याय प्रदान करने निम्ते देखो गोटे पटे सरकार कहते रोजगार समस्त को रोजगार दि जाव एसएचजी ग्रुप को इनवल्व कर एसएचजी ग्रुप रोजगार नौकर किंतु अंपटे पाखापाखी मानते एसएचजी ग्रुप को एक प्रकार अहेतुक अनुकंपा देखाई एकाथर 32 जन को छटे कर शासक दल अच्छा एसएचजी ग्रुप प्रति ये अनुकंपा कहीं अलग यार पचर कि कारण ना तो नहीं पचर कि कारण ना एने एसएचजी ग्रुप अच्छा कहते भौणी मैंने आम भी एसएचजी ग्रुप अच्छा कितु यहाँ मैनेजर भी एमको फोन मध्यम जनई ना कि सुपरभाइजर भी फोन मध्यम जन ना साधारण जन कर्मचारी जमी कम करती भाई मान सहित सेमती जन कर्मचारी फोन मध्यम जनईंटे का आप आसबे ना ना यहाँ तो अन्याय हूँ एसएचजी माँ मान स्वागत किंतु एमानको भी स्वागत करवा कथा एमाने जो काम करुछंती परिवार चलाउछंती एमाने कोविड समय रे जीवे कुआडे कहंतु 5 वर्ष लाने एमाने काम करुछंती तो एमानको न्याय देबा पे आमे एठी एकजुट हेजु आहार केन्द्र रे नीति को कोन करबे नै आहार केन्द्र रे ठीक अछि ए समय रे काम करुछंती ठीक अछि एमाने भी जो काम करुछंती निज पेट पटणा निज छुआ पिलांग पई सब ठीक अछि किंतु एई मानको जो अन्याय छै ताको अन्याय विरुद्ध रे आमे एठी
ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ, ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବ, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରୟାସ। ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ସରକାରକୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇଏ ଚାଲ ନୁହେଁ ତ? ସେଇଟା ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ମାନେ ସୁପରଭାଇଜର କହିନାହାନ୍ତି କି ମ୍ୟାନେଜର କହିନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନେ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ଏ ତ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏ ତ ଜଣାପଡ଼ିନି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତ ଭାବେ ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆପଣମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏଠି, କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ପରିବାର ଏମିତି କେବେ କେମିତି ଚଳୁଛି ଏବେ? ଏବେ ଆଉ କେମିତି ଚଳିବ, ଏବେ ଯାହା ସରକାର ଆଡୁ ଯାହା ଚାଳ ମିଳୁଛି ଚାଳକୁ ସିଝେଇବୁ ଖାଇବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? କାହା ଘରେ ବାସନ ଦଉଛୁ, କେଉଁଠି କାମ କରୁଛୁ, ଏମିତି ଦିନେ ଅଧେ ପାଉଛୁ ଯୋଉ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ସରକାର ଚାଳ ଦଉଛୁ ସେଗୁଡା ପାଉଛୁ। କରୋନା ଟାଇମ୍ ଏହା କାମ କର जी हाँ, पैदल आना हाँ, अभी कुछ नहीं है जो मिल रहा है, 15 दिन में एक दिन छोड़ छोड़ के आने बोल रहे थे, तो उसका वैसे ही आना जाना कर रहे थे। कल तो आंटी गई थी उसका फिर, हाँ अभी तो मेरा तो आज था, नहीं गए, आज मना कर दिए ना, ମନା କିନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ଏଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦିଆ ଯାଇଛି। ଏମାନଙ୍କର PA PSI ସବୁ ମିଳୁଥିଲା ତ, ବାକି ସବୁ ଏଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳୁଥିଲା ତ? ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏମ୍ପ୍ଲୟି, ତାଙ୍କୁ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯିଏ ମ୍ୟାନେଜର ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶଳା ପୁତୁରା ମିଶେଇକି 7 ଜଣ ସେଠି ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିରୀହ ଲୋକ ଏମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଆଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଆଗଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ SHG ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ବିରୋଧ କରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେମିତି ଛଟେଇ ନହେବେ, ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଆଙ୍କୁ ଯେମିତି ଆଗ ପରି ଚାକିରି ରଖିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ଏମାନେ କରିପାରିବେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଦାବିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି ପାଖାପାଖି। SHG ଗ୍ରୁପକୁ ଯେଉଁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ତରଫରୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖେଇ ବାକି ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି 32ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ରାତାରାତି କାମରୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯଦିଓ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ସେମାନେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆସି ଲୁଚି ଛପି କାମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପକୁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରର ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖେଇବା ଏକ ପ୍ରକାର ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର SHG ଗ୍ରୁପ ପ୍ରତି ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା ରହିଛି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାମ କରୁଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ, ସେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରାତି ଭିତରେ ବିନା ନୋଟିସ୍ରେ ବାହାର କରିଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛେଇଲାନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକ ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନାରୀନେତ୍ରୀ ଆଉ ସମାଜସେବୀମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ଏ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।